हेलो नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा बॉबी और यूट्यूब पे जानकारी देनी मेरी हॉबी। सबसे पहले हम इस वीडियो की बात करेंगे, आपके सामने हीरो की एक्सट्रीम 160R देख सकते हो। तो जो लोग वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो ऐसे ही मैं आपके लिए और कई सारी वीडियो लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं। ये आपके सामने जो रेड और ब्लैक में दिख रही है, ये हीरो की काफ़ी ज़बरदस्त बाइक है और 160 सीसी में आ जाती है, लगभग 163 सीसी मतलब मिल जाता है लगभग। और काफ़ी अच्छे डिस्क ब्रेक हैं, ABS चैनल भी हमें देखने को मिल जाता है इसके अंदर। तो 1,06,000 के समथिंग गाड़ी है ये, और ये देख सकते हो आप लोग, ये स्पीडोमीटर काफ़ी अच्छा है और ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। ये मैं कैमरे से शूट कर रहा हूँ तो उसकी लाइटिंग है, ये वैसे ब्लिंक नहीं करता है। इसमें लगभग 60 फ्रेम पर सेकंड शूट हो जाता है, तो मतलब कोई भी लाइट हो ब्लिंक करते ही नज़र आती है। ये वाली बात आपको समझ नहीं आई होगी लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो देख सकते हो ये इसमें हमें सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, और इसमें 2-3 फीचर काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। ये देख सकते हो सिंगल बटन से ही स्विच ऑफ मतलब ऑफ स्विच को ऑफ करना हो या ऑन करना हो या फिर मतलब चालू करनी हो तो एक ही स्विच से होगा। वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ये 160 की ब्रांडिंग है। और एक और काफ़ी चीज़, ये काफ़ी लोग देखा होगा अपने बाइकों में, चारों के चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं, वो इस बाइक में अवेलेबल है। तो जो लोग को चारों इंडिकेटर रात को जलाने का शौक है, देख सकते हो ये लाइट है, ये एक्स की शेप में इन्होंने देने की कोशिश की है। हीरो की है तो एच और या फिर एक्स दोनों की शेप में दे दिए, और छोटे छोटे इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं जो कि रात में काफ़ी ज़्यादा चमकते हैं। तो देख सकते हो आप लोग, अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज लगभग इसका सही है, मतलब ज़्यादा कम भी नहीं है, नहीं ज़्यादा ज़्यादा है। और अगर मैक्सिमम पावर की बात करें तो मैक्सिमम पावर इंजन जनरेट कर देता है 15.3 PS ₹8,850 के साथ, तो ये भी काफ़ी सही है। और फ्यूल टैंक देख सकते हो आपके सामने काफ़ी बड़ा है, जो कि 12 लीटर का हमें देखने को मिल जाता है। और गाड़ी में आगे ये अभी थोड़ा ना पूरी धूप पड़ रही है गाड़ी पे, तो इस करके ये लाइटें आपको जलती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ें। ये देख सकते हो, ये मैं आपको बटन दिखा रहा हूँ, इसी से सारी चीज़ें, इससे अगर हम सबसे डाउन कर देंगे तो ये सेल्फ वाला हो जाएगा, अगर बीच में कर देंगे तो मिड और ऊपर तो बंद, तो ये इससे लाइट और दोनों चीज़ें। और ये वाला इंडिकेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेड रेड बटन है, अगर हम इसको पुश कर देंगे तो चारों लाइटें एक साथ जलती हुई नज़र आएंगी। अभी आपको दिख रही होंगी एकदम ब्लिंक करती हुई, तो रात को ये बहुत ज़्यादा चमकती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस बाइक के अंदर। और लगभग एकदम मतलब एकदम इसकी लग रही है ना लुक आपको, काफ़ी हैवी वाली लुक है, जैसे TVS की नहीं आती अपाची 200, तो उस जैसी लुक देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी है। सीट काफ़ी छोटी है लेकिन सही है, मतलब दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं, और कभी तीन लोग बैठने भी नहीं चाहिए एक बाइक पे। लेकिन इसमें पीछे पकड़ने को दे रखा है, साइड में देख सकते हो आप लोग, जो बंदा पीछे बैठता है वो भी पकड़ के बैठ सकता है, जिससे कि वो कोई अगर ज़्यादा तेज़ बाइक चलाता है तो वो गिरे नहीं। आप लोग देख सकते हो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और टंकी मैंने आपको, और इसमें सिंगल सीट दी गई है, मेरे हिसाब से इसमें जो नेक्स्ट बाइक है उसमें डुअल सीट टोन का काफ़ी अच्छा सिस्टम आ रहा है। आपने देखा होगा बजाज की पल्सर आ रही है, TVS की भी जो हैवी बाइक आती है उनमें भी डुअल सीटेड दे रखा है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो इनको देनी चाहिए मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो ये गाड़ी निकालेंगे। तो ये मैं आपको एक बार स्पीडोमीटर ऑन करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हो 188 इस पर लिखा आ गया है, लेकिन इतना ये भागती नहीं है क्योंकि हमें गाड़ी इतनी भगानी भी नहीं होती। खैर ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा था, देख सकते हो आप लोग। और ये नंबर ऑफ सिलेंडर गाड़ी में बंद देखने को मिल जाता है। और ये देखो, ये मैं आपको पास लेके चलता हूँ, ये ना छोटी वाली जो रिंग है वो है ABS की, जो बड़ी वाली रिंग है ये है डिस्क ब्रेक की। तो हमें, और ये देखो इसमें दो लाइट है, एक नीचे भी लाइट है गोल, आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि अभी, हाँ ये देखो ये नीचे वाली लाइट है, इसमें गोल लाइट है और ऊपर वाली भी लाइट है, तो काफ़ी अच्छे लाइट सिस्टम है। रात को अगर जैसे ही आप जाते हो तो काफ़ी पावरफुल वाली लाइट हमें देखने को मिल जाती है, और चेन वाला सिस्टम है और डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। और इसमें मैं सेल्फ स्टार्ट मैंने आपको बता ही दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर। अगर आपने फुल वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, यही आपका मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्यार है। धन्यवाद।